हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाएंगे, यह देखिए कि ये छत जो है यहाँ नीचे जो है कमरे में सीलन आ गया है। यह देखिए, यहाँ यह देखिए, ये सीलन है। अब ये सीलन आपको कहाँ से आ रहा है ये मैं आपको छत के ऊपर से जाके दिखाऊंगा, जो कि आपको बगैर मुझे बताए आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपके जो घर में सीलन आता है उसको ठीक करने का बिल्कुल तरीका मैं आपको बतलाने वाला हूँ। यह देखिए, मैं ये कमरे के अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सीलन आया है, लेकिन ये सीलन कहाँ से आया है ये मैं आपको छत के ऊपर से जाके बतलाऊंगा। देखिए, अब मैं आपके छत के ऊपर आ गया हूँ। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जो नीचे सीलन आया वो कहाँ से आया। देखिए, ये दीवार के बराबर में आपको ये जो है फटा सा दरार सा दिख रहा है। ये देखिए, अब इसमें मैं पानी डालता हूँ आपके सामने। ये देखिए, पानी जब डालेंगे तो इसके अंदर चला जाएगा। ये देखिए, तो जब बारिश होता है या छत की धुलाई करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है, ये देखिए, ये अंदर पानी चला जाता है। ये देखिए, और इसी से वो सीलन आ जाता है। ये देखिए, इस तरह से आपको चेक करना है। तो ये देखिए सूख गया। देखिए, डालते ही सूख जाएगा। ये देखिए, ये पानी डाल दिया, सूख गया। तो सूखने मतलब है कि इसके नीचे जा रहा है और यही कमरा के अंदर जो है वो सीलन पहुंच रहा है। अब इसको ठीक करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये देखिए, एक छोटा सा तरीका है। ये देखिए, आपको एक इतना छोटा सा गमला लेना है, और ये रहा है, ये देखिए आपको ये सीमेंट, ये देखिए, जो कि आपको सीमेंट मटेरियल की दुकान में मिलेगा और कोई ज्यादा महंगा भी नहीं आता, 10 रुपए किलो आता सीमेंट। तो ये सीमेंट आपको क्या करना है, जैसे जितना फटा हुआ है उस हिसाब से आपको दुकान से ले आना है। ये देखिए, और इसको इस कटोरी में हम डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से डाल करके, और इसका लिक्विड हम बनाएंगे। इसका लिक्विड बनाएंगे। इसका बनाने का तरीका मैं आपको बतला रहा हूँ। ये देखिए, इसमें डालेंगे पानी। ये देखिए, इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से पानी डालेंगे, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा डॉक्टर फिक्सिड। ये देखिए, ये भी आपको हार्डवेयर की दुकान में मिलेगा, डॉक्टर फिक्सिड। वैसे पैकेट में भी आता है, पाउडर के रूप में भी आता है, तो आप पाउडर वाले भी यूज कर सकते हैं, पर ये लिक्विड है। आप इसको भी इसमें आप एक ढक्कन डाल सकते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने ढक्कन खोल दिया है। अब इसको हल्का सा इस तरह से आपको हिला लेना है और एक ढक्कन इसमें डाल देना है। ये देखिए, एक ढक्कन आपको ये डॉक्टर फिक्सिड डालना है। ये देखिए, अब इसको क्या करते हैं, हम इसको बंद कर देते हैं और इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए, इसको मिक्स करते हैं। तो इसको मिक्स कैसा करना है, कैसा मसाला बनाना है, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से, जिस तरह से आप आटा गूंथते हैं, इस तरह से आपको बनाना है। ये देखिए, इस तरह से, जैसे अगर इसे आपको ऐसा लगे कि ये गीला हो गया है तो हल्का सा सीमेंट सूखा डाल करके इसको इस हिसाब से बनाना है कि आपको लगाने में अच्छी तरीका से लग जाए। ये देखिए, जहां भी आपको ये चीज लगाना है सबसे पहले आपको वहां पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि मैं दिखा रहा हूं। यह देखिए, यहाँ पानी लेकर के, ये देखिए, जैसे ये दरार है तो इसमें हमें इस तरह से पहले पानी डालना है, क्योंकि बगैर पानी का सीमेंट का ताकत जो है वो मजबूत नहीं हो सकता है। तो इस तरह से पानी डाल दें, उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको लीक बंद करने का तरीका। यह देखिए, इस तरह से आपको बंद करना है। यह देखिए, ये आपको जो है इसमें हम वाटर प्रूफ वो जो डाल दिए हैं इसमें, और सीमेंट भी डाल दिए हैं, इससे क्या होगा कि आगे जो है ये लीक नहीं होगा। डॉक्टर फिक्सिट भी इसमें मिलाया हुआ है, जो कि वाटर प्रूफ होता है, तो सारी दुनिया जानती है कि डॉक्टर फिक्सिट भी एक अच्छा केमिकल है जो कि सीलन में बहुत उपयोगी है। यह देखिए, इस तरह से आपको बंद करना है। जहां भी आपके मकान में कहीं भी कहीं से भी आपको ऐसा लगता है कि हमारे मकान में ऐसा दरार है और उसके नीचे सीलन आ रहा है,
तो आप पक्का समझ जाइए कि सीलन हमारा यहीं से आ रहा है। ये देखिए, और इस तरह से आपको लगाना है। ये देखिए आगे आगे भी है। ये देखिए जहां जहां ये लगाते ही क्या होगा, सीलन जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि डिफिनिट हमें, जैसे डॉक्टर के यहाँ कोई मरीज जाता है तो जब उसे रोगी रोगी का रोग पता चल जाता है तो उसे तुरंत रोग ठीक हो जाता है, ठीक उसी तरह जो हमारा मकान कमरा के नीचे सीलन है तो उसके ऊपर हमें इसका जो है दरार मिल गया है तो 100% है कि वो जो सीलन है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो जो सीलन का रोग है उसका जो है फार्मूला हमें मिल गया है कि हमारा यहाँ पे दरार था और इसी से पानी जा रहा था। हमने इसको आपके सामने गिलास से चेक भी किए, पानी इसके अंदर जा रहा था, तो पानी जाने का मतलब है कि सीलन कमरा में ही आएगा, इसलिए हम इसको बंद कर दे रहे हैं दरार को पूरी अच्छी तरह से। यह देखिए इस तरह से चिकना कर दिए। अब आपको करना क्या है, इस तरह जैसे आप जैसा कि आप आज लगाए हैं तो इसको कम से कम 2 से 3 दिन तक, इसको सुबह शाम या दोपहर, दिन में 2-3 बार पानी का तराई मारते रहें ताकि ये दोबारा ना फटे। ये देखिए ये बिल्कुल अब ओके हो चुका है। ये देखिए इस तरह से ओके करने के बाद आपको 2-3 दिन तक इसमें पानी मारते रहना है, इससे आपको क्या होगा, कमरे का जो सीलन है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।